अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है। होता यह है कि बसंत का त्योहार होता है और बसंत के त्योहार पर मेला लगा होता है। उसमें लड़का अपने माता पिता के साथ जाता है। अब होता क्या है कि एक जगह पर एक खिलौने वाला होता है, बच्चा खिलौने लेना चाहता है पर उसके पिता उसकी तरफ आंख निकाल करके देखने लग जाते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली उससे मना कर देते हैं, खिलौने नहीं मिलेंगे। वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो लड़का है वो एक मिठाई की दुकान पर देखता है तो वो मिठाई खाना चाहता है, पर वो जानता था कि अगर वो मिठाई के लिए कहेगा तो उसके माता पिता कहेंगे कि वो काफी लालची है। इसके बाद में वो आगे चलता है और उसे फूलों वाला मिलता है और वो फूल लेने के लिए चाहता है कि वो अपने माता पिता से कहे कि वो फूल ले लें, पर वो जानता था कि उसके माता पिता कह देंगे कि ये बेकार की चीज है तो उसे दिलवाएंगे। इसके बाद में वो आगे बढ़ता है और एक सपेरा जो था, ठीक है, सपेरा को इंग्लिश में बोलते हैं हम जगलर, यानी कि जादूगर या बाजीगर, ठीक है। तो सपेरा जो था, सांप जो पकड़ के बीन बजाते हैं, वो रहता है। अब वो वहां पे क्या कर रहा होता है, वो सांप के साथ में गाना बजा रहा होता है। उसे वो काफी पसंद आता है लड़के को, पर वो जानता था कि उसके माता पिता ने उससे कहा था कि ये एक फूहड़ संगीत होता है जो उसे नहीं सुनना चाहिए। इसके बाद में वो आगे बढ़ जाता है और गोल गोल घूमने वाले झूले को देखता है। वो वहां पर झूलना चाहता है और झूलने के लिए वो तुरंत पीछे मुड़ता है और अपने माता पिता से कहना चाहता है कि वो यहाँ पर झूलना चाहता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि उसके माता पिता वहां नहीं है, वो खो गए हैं। लड़का हर तरफ घूमता है, उन्हें देखता है। एक भीड़ वाले मंदिर में भी घुस जाता है जिसमें काफी भीड़ रहती है, पर वहां पर भी उसके माता पिता नहीं मिलते। अब वो रोने लगता है। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने माता पिता चाहिए। वो कहता है मुझे माता जी चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए, ऐसे वो बोल रहा होता है। तभी वहां पर एक भला आदमी आ जाता है और उस लड़के से कहता है, बेटा क्या हुआ, कैसे यहाँ पे रो रहे हो, किसके बच्चे हो? तो वो कहता है मुझे माँ चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए। तो वो आदमी झूले पर बैठाने के लिए उसे कहता है, वो कहता है नहीं, मुझे माँ चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए। वो आदमी सपेरा वाले को, जो संगीत था सपेरा वाला जो था, उसे संगीत सुनाने के लिए कहता है। तो एग्जैक्टली लड़के का वही फिर से बात रहती है कि मुझे माँ चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए। इसके बाद में वो फूलों वाले के पास भी ले जाता है, खिलौने वाले के पास भी ले जाता है और सब आपके मिठाई वाले के पास भी ले जाता है। पर लड़के का अब यही जवाब रहता है कि अब उसे माँ चाहिए, उसे पिताजी चाहिए। तो ये जो कहानी है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। सिंपल में कहानी इतनी सी है कि एक लड़का अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है, बसंत के त्योहार के मेले में। वहां मेले में वो लड़का खो जाता है। खोने से पहले वो बहुत सारी चीजें चाहता था अपने माता पिता से, पर जब वो खो जाता है तो अब उसे सिर्फ अपने माता पिता ही चाहिए होते हैं। तो इस कहानी में सिंपल में बच्चों के मन के बारे में बताया गया कि बच्चों का मन कितना चंचल होता है। तो यही बस कहानी, इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।